अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया लाल बटन दबा करके यहाँ सब्सक्राइब करें और पास में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, कृपया इसे भी दबा दें। हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नासिर। आज मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है जो इंग्लिश से बहुत घबराते हैं, जिसको ये भी पता नहीं होता सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, क्या वर्ब्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होता है। वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी कि सेंटेंस क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या है, तो आप इंग्लिश में कुछ भी कर नहीं पाएंगे, यानी नथिंग, आप कुछ नहीं है इंग्लिश में। तो गाइस, इस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में सेंटेंस का पहला पार्ट यानी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कहाँ होता है, सब्जेक्ट का कार्य क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज़ द वन होम वन विच वी टॉक अबाउट और द वन हु परफॉर्म एन एक्शंस। अदर डेफिनेशन, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग ए एक्शन। इसको हिंदी में समझते हैं, सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जाता है या सेंटेंस में वो कुछ कार्य करता है। सब्जेक्ट एक वस्तु या एक व्यक्ति हो सकता है जो एक सेंटेंस में कार्य करता है। हो सकता है आपको डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आप घबराए नहीं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। नीचे में एक सेंटेंस लिखा है, कोहली क्रिकेट खेलता है, कोहली प्लेज क्रिकेट। तो गाइस, यहाँ एक काम हो रहा है यानी एक्शन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कोहली के द्वारा है। काम क्या हो रहा है, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। कौन खेल रहा है, कोहली खेल रहा है। तो कोहली क्या हो गया गाइस, यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो कोहली प्लेज क्रिकेट ये सेंटेंस बना। ये कैसे बना, इस पर आप फोकस नहीं कीजिए, इस पर बाद में मैं आऊँगा। पहले ये समझ लीजिए कि इसमें काम करने वाला कौन है यानी सब्जेक्ट कौन है। कोहली क्या है, एक सब्जेक्ट यहाँ हो गया। कुछ और एग्जांपल देख लेता हूँ गाइस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके बारे में जान सकें। किसी भी सेंटेंस का जो मैजिक फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस देख लेते हैं, सी प्लेज, हिंदी में क्या है, वो खेलती है। तो क्वेश्चन कीजिए यहाँ पर कि खेल कौन रही है, तो आपको समझ में आएगा कि वो यानी सी। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे आई एम अ किंग, मैं एक राजा हूँ, तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है यानी मैं, आई के बारे में बताया जाता है कि मैं राजा हूँ। तो आई क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट और है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ बहुत इजी है, देख लीजिएगा, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट हो वो क्या हो, अगर सिंगल हो, जैसे सिंगल सब्जेक्ट यहाँ पर आई, जिसका मतलब मैं होता है, ईट, सी, ही, किसी व्यक्ति का, एक का नाम, दिस, डैट, ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारी क्या हो, एक से ज़्यादा हो यानी प्लूरल हो, तो गाइस तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे वी, इसका मतलब हम लोग होता है, हम लोग में क्या हो गया, एक से ज़्यादा व्यक्ति। जिसको एक कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आए वो घबराए नहीं, आगे वाले लेसन में इसका डिस्कस किया जाएगा। सब्जेक्ट का थर्ड कॉन्सेप्ट, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट। ये तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं एक आपसे एक सेंटेंस बोलता हूँ कि राम सो रहा है, तो गाइस मैं बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, राम के बारे में बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट व्यक्ति हुआ तो फर्स्ट पर्सन, आपसे बोल रहा हूँ, आप हो गए सेकंड पर्सन, और राम के बारे में बोल रहा हूँ, राम हो गया थर्ड पर्सन। इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का डेफिनेशन देख लेते हैं, द पर्सन और पीपल स्पीकिंग यानी बोलने वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल के लिए आई, जिसका मतलब होता है मैं, वी, जिसका मतलब होता है हम या हम लोग। सेकंड पर्सन का देख लेते हैं, द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन टू यानी जिससे बोला जाता है, जिससे आप बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यू, जिसका मतलब होता है तुम या आप, या यू बोथ, तुम दोनों। थर्ड पर्सन का देख लेते हैं, द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट यानी जिस व्यक्ति के बारे में बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए ही यानी ओ, इट, ए, किसी का नाम ले सकते हैं, जैसे अक्सा, दे यानी वे लोग।
फर्स्ट में हम लोग सब्जेक्ट का डेफिनेशन, सब्जेक्ट के बारे में जाना। सेकंड में उसका कॉन्सेप्ट, सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट। थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट को देखा। अगर आपको दो या तीन नंबर समझ में नहीं आया होगा तो घबराए नहीं, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए आप, और आगे कुछ सब्जेक्ट दिया हूँ उसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। जो लिमिटेड है आप उसको याद कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या कुछ सब्जेक्ट दिया गया है इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए ताकि आपको सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बन जाए। तो मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलिए साथ साथ। फर्स्ट आई, मैं, वी, हम या हम लोग, यू, तुम या आप, ही, ओ, मेल के लिए, सी, ओ, फीमेल के लिए, इट, ए, दे, वे या वे लोग, दिस, ए, डैट, ओ, दीज, ए सब, दोज, वो सब, वी बोथ, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, दोनों इंग्लिश इसका हो सकता है, यू बोथ, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, दे बोथ, बोथ ऑफ देम, वे या वे दोनों, वी ऑल ऑफ अस, हम सभी, यू ऑल ऑफ यू, तुम सभी, दिस ऑल, ये सभी, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, दोज ऑल, वो सभी, दे ऑल, वे या वे सभी, वी थ्री या थ्री ऑफ अस, हम तीनों, वी फोर, फोर ऑफ अस, हम चारों, दे फाइव या दोज फाइव, वो पाँचों, दिस बुक, ये किताब, डेट बुक, वो किताब, दिस बुक्स, ये किताबें, दोज बुक, वो किताबें, दोज या दे चिल्ड्रेन, वो बच्चे, दिस कैट्स, ए बिल्लियाँ, दिस ऑल बॉयज़, ये सब लड़के, दोज या दे बोथ बॉयज़, वो दोनों लड़के, दिस ऑल बुक्स या ऑल ऑफ दिस बुक्स, ये सभी किताबें, दोज ऑल पेंस, ऑल ऑफ दोज पेंस, वो सभी कलम, दिस या दे ऑल पीपल, वो सभी लोग, योर वॉइस, आपकी आवाज़, राम्स वॉइस, राम की आवाज़, योर मोबाइल साउंड, तुम्हारी मोबाइल की आवाज़, योर वर्ड्स, तुम्हारी बातें, माई मेमोरीज, मेरी यादें, योर एंगर, तुम्हारा गुस्सा, योर काइंडनेस, आपका बर्पन, माई विल, मेरी मर्जी, माई डिज़ायर, मेरी इच्छा, डैट्स बॉयज मनी, उस लड़के के पैसे, माई ड्रीम्स, मेरे ख्वाब, मदर्स हर्ट, माँ का दिल, थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की सोच, माई ब्रदर्स, मेरे भाई, हिज ब्रदर्स, उसका भाई, योर बिहेवियर, तुम्हारा बर्ताव, योर वे, आपका तरीका, हिज स्टोरी, उसका कहानी, उसकी कहानी, और डिज़ायर, हमारी ख्वाहिश। कुछ एडवांस सब्जेक्ट दिया गया है, इसे भी आप लर्न करें। फर्स्ट फौजिया ब्रदर्स या ब्रदर्स ऑफ फौजिया, यानी फौजिया के भाई, अतिक्स मदर या मतिक्स ऑफ अदर, यानी अतिक की माँ, गर्ल्स ब्रदर, ब्रदर ऑफ द गर्ल, यानी लड़की का भाई, माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर या द डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, मेरे पापा के दोस्त की बेटी, माई ब्रदर्स पेन या द पेन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का कलम, माई हर्ट्स फीलिंग, द फीलिंग ऑफ माई हर्ट, मेरे दिल की आवाज़, लॉयंस रोर, रोर ऑफ द लॉयंस, शेर की दहार, नेहाज वॉइस या वॉइस ऑफ नेहा, नेहा की आवाज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा जो वर्ब्स के बारे में होगा, कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब्स आता है इसलिए वर्ब्स में बनाएंगे, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।